हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आज हम बनाने वाले हैं चिकन लॉलीपॉप, बिल्कुल सिंपल और आसान तरीके से। तो आइए देखते हैं चिकन लॉलीपॉप बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर मैंने लॉलीपॉप बनाने के लिए 1 किलो लॉलीपॉप ली थी। ये ऐसी लॉलीपॉप 1 किलो है, ये हमें हमारे जो चिकन वाले होते हैं उनको बोलेंगे हमें लॉलीपॉप बना के दो, तो वो लॉलीपॉप करके देते, लॉलीपॉप जैसे पीस हमें बना कर देते। तो ये पूरी 1 किलो है। तो सबसे पहले हम इसे मैरिनेट कर लेते हैं। इसे मैंने अच्छे से धो के पानी निकालने के लिए छन्नी में रखी थी। तो अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले लॉलीपॉप को हम एक बोल में डालेंगे। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसमें नमक ऐड करूँगी 1 चम्मच। ये लाल मिर्ची पाउडर, रेड चिली पाउडर, ये भी 1 चम्मच भर के। ये लॉलीपॉप का मसाला है, ये हमें चिकन वालों के यहाँ पे भी मिलता है या कोई भी हमारे किराना शॉप होती है उनके पास भी बहुत आसानी से मिल जाता है। तो ये मैं 3 चम्मच लॉलीपॉप मसाला ऐड करी हूँ। ब्लैक पेपर पाउडर है 1/2 चम्मच। रेड फूड कलर ये ऑप्शनल है, अगर आप लोग खाते हो तो डालो वरना कुछ नहीं। और 1 से 2 चम्मच भर के ये अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट है। ये कॉर्नफ्लावर है, ये 1/2 कटोरी है, यानी 3 से 4 बड़े चम्मच हो गए। और हम इसमें ऐड करेंगे 2 अंडे। 1 किलो लॉलीपॉप के अंदर हम 2 अंडे ऐड करेंगे, अगर आप 1/2 किलो ले रहे हो तो 1 अंडा। तो यहाँ पर मैंने 2 अंडे डाल दिए। और ये 1 चम्मच सोया सॉस है। बस अब इन सारी चीज़ों को हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने लॉलीपॉप को मैरिनेट करके रखी थी, 1/2 घंटा हो चुका है। अब 1/2 घंटे के बाद हम इसे फ्राई करेंगे, आप चाहो तो ज़्यादा देर भी रख सकते हो। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में मैंने ऑयल गर्म होने रखी हूँ। अब एक एक करके हम इसमें लॉलीपॉप के पीस छोड़ेंगे। अब हम इसे 2 से 5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे आगे पीछे करके। तो है ना कितना अच्छा कलर, बिल्कुल बाहर जैसा। खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी और बहुत सिंपल और आसान और बच्चों को भी पसंद आने वाली चीज़। तो आप लोग भी ज़रूर बनाइए, ट्राई कीजिए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक यू।